लड़ाई राजस्थान के युवा बेरोजगारों पर अभी भी जारी है। पिछले 9 दिन से हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक सुध तक नहीं ली। अभी भी ये लोग संवेदनहीनता पर उतरे हुए हैं। यहाँ बेटियां और सैकड़ों युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पुलिस पीछे पड़ी है, ना रहने की जगह मिल पा रही है, ना धरना प्रदर्शन की जगह मिल पा रही है। हर जगह पुलिस आ रही है और हमें खदेड़ रही है। और जिस प्रकार कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है क्योंकि बीजेपी के इशारे पे ये काम हो रहा है, तो फिर बीजेपी सरकार है, हमें बार बार पुलिस क्यों भगा रही है? क्यों हिरासत में हमें 6 घंटे तक रखा गया? आखिरकार हमें कब न्याय मिलेगा? हम लोग भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अभिभावक हो और आप अपने आप को गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति बताते हो, तो राजस्थान के युवाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों? ये लड़ाई बढ़ चुकी है, राजस्थान के युवाओं का अपमान है और हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिले। चाहे हमारी मौत हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि आपने वादे किए थे, आपने घोषणाएं की थी, लेकिन आप इतने अत्याचार और तानाशाही करके हम लोगों को दबा नहीं सकते। जगह जगह कुछ लोग यहाँ धर्मशाला में रुके हैं, कुछ लोग मंदिर में रुके हैं, कुछ लोग गार्डन में, यानी कि अहमदाबाद में, हर जगह जगह कोने पर राजस्थान के युवा भटक रहे हैं। ना खाने के लिए, ना रुकने के लिए जगह है। ऐसे हम लोगों को कहते हैं, राजस्थानी आगे इनको जगह मत दीजिए। हम लोग हाथ जोड़ी करके कैसे जैसे हम यहाँ रुके हुए हैं, और कमिश्नर साहब से भी दोबारा हम जाकर मिल लिए कि हमें परमिशन दे दीजिए, लेकिन वहां से भी हमें परमिशन नहीं मिली है। एक बार फिर आज जा रहे हैं, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार को झुकना ही होगा, 2023 दूर नहीं है। यदि लाखों युवाओं का अपमान होगा तो राजस्थान जी के पूरे देश से कांग्रेस मिट जाएगी। मुख्यमंत्री जी, अभिभावकों का हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमने आपसे वही मांगे किए जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी, आपने वादे किए थे। हम उन वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपसे निवेदन एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, अन्यथा कोई अनहोनी हो गई। यदि कोई युवा बेरोजगार अवसर मांगकर इस दुनिया से चला गया तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी आप होंगे। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हम परेशान और दुखी हैं, हम भटक रहे हैं, हम लोग चुप कर यह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन जारी है। बड़ी संख्या में फिर बेरोजगार आ रहे हैं और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे।